No, look, please, please understand why I have been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why, first the distraction, now the disqualification. Please don't be confused about this matter. There is a deep relationship between Narendra Modi ji and Mr. Adani. There is a question. 20,000 crore rupees have suddenly arrived in Mr. Adani's shell companies. Where has this money come from? Whose money is it? It is. Some of these companies are defense companies. Why is the defense ministry not asking this question? Why is the defense ministry not asking the question? But please explain to us whose money is this that is being spent on our drone development, that is being spent on our missile development, that is being spent on our ordnance production? Why is the defense ministry not asking this question? हाँ मंजरी 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 प्लीज एक मिनट मंजरी तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल जो अभी तक कांग्रेस से दूरी बना के चलते थे वो भी आपके समर्थन में आए, तो आपको क्या लगता है अब वो समय आ गया है जब सारे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए? मैं उन सब का सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। रंजीता रंजीता बयान को लेकर आपको ये सजा सुनाई गई है, क्या आपको लगता है, आपको अफसोस है उस बयान को लेकर? क्या कहेंगे उस बयान पर अब? देखिए, अभी ये लीगल डिस्कशन है, उस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये कोर्ट में मामला है। मगर मैं जो भी सवाल उठाता हूं वो सोच समझ के उठाता हूं। हाँ जी नीरज राहुल जी, राहुल जी, अभी कुछ ही दिन पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता गई थी और बाद में हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था, अभी उनकी मेंबरशिप री इंस्टेट नहीं हुई है। देखिए, तो सुन लीजिए हाँ राहुल जी, सुन लीजिए, अभी उनकी सदस्यता री इंस्टेट नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करने के बाद उसे रोक दिया था। अगर ऊपरी अदालत से आपको स्टे मिलता है तो आपको उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर भी आपकी सदस्यता को बहाल कर देंगे। मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालिफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा, आपके लिए नहीं, रवि अपने लिए। रवि एक मिनट रमन, हाँ एक मिनट रमन, इट इज नॉट अप टू मी, इट इज अप टू कांग्रेस प्रेसिडेंट। कौन जाएंगे? राहुल जी, राहुल जी, राहुल रवि जी, त्रिपाठी, राहुल जी, मेरा सवाल, के यहाँ बैठे हैं हाँ दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका कहा धंधे का मामला है, लेकिन क्या धंधे का मामला? क्या बात कर रहे हैं? ये धंधा रोकेंगे ये लोग? जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? देखिए सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? आप इंक्वायरी कीजिए, अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए, अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। हाँ सिद्धार्थ सर, राहुल सर, बोलिए ना प्लीज मैडम, एक मिनट मैडम, मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है।
कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के सवाल, जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए राहुल, राहुल जी, राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ये फैसला सामने आया, आपको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इसमें जो सकती है वो आपके लिए मुकर्रर की गई। इस बीच कई लोगों ने ये भी कहा, आपके पार्टी के भी एक सांसद ने कहा कि कम से कम जज को ये देखना चाहिए था कि सामने जो शख्स है वो एक गांधी परिवार से आता है। इस पर आप क्या कहेंगे, और आपको लगता है मैक्सिमम पनिशमेंट जो है आपके केस में, मैक्सिमम पनिशमेंट आपके लिए मुकर्रर की गई, क्या आपको इसके पीछे क्या कहना है आपका? वही मैंने कहा, अगर डिस्ट्रैक्शन करना है, डिस्ट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है। मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। मैं तो सोच रहा था भैया 5 साल होते, 7 साल होते, 10 साल होते, वो भी मिल जाता, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार। राजदीप, My, I have only one step, and that step is to fight for the truth in this country and to defend the democratic nature of this country that is under brutal. Please let me finish, Rajdeep, unless you want to answer it for me. You do that also sometimes. Yeah. So my job, as I see it, is to defend the democratic nature of this country. And I will do whatever I have to do, whatever I have to do to defend the democratic nature of this country. What does that mean? That means defending the institutions of this country. That means defending the voice of the poor people of this country. That means telling the people of this country the truth about people like Mr. Adani, who are basically exploiting the relationship they have with the Prime Minister. Yeah, Pallavi. Pallavi. Please, one second. Let's go. Look, these are legal matters. It makes me no difference. I told them, it makes me no difference if I'm disqualified, not qualified, whatever. It makes me no difference. Disqualify me. Disqualify me for life. Put me inside jail. I will keep going. I will not stop. Mr. Gandhi, yeah, Mr. Gandhi, two things here. One, are you worried or apprehensive about the political relevance of, say, the opposition and the Congress? Do I look worried to you? Second, do I look worried to you? I'm excited. Okay. I'm happy that these people have given me the best gift they could give me. And second, Mr. Gandhi, is that BJP's reaction since yesterday is that if you hadn't torn the ordinance then perhaps you wouldn't be facing the law today. Your response to that? My response to that is that when somebody is guilty of something, they want to distract everybody's attention. Right? If you catch a thief, the first thing he says is, I didn't do it. The second thing he says, look there, look there, look there, look there. Right? That's what the BJP is doing. We have caught 20,000 crore rupees entering Mr. Adani's companies. Nobody knows whose money that is. That money cannot be Mr. Adani's money. He does not generate this type of money. So that money has come from someone. All this, OBC, disqualification, anti-national, all this is to distract from the panic that the Prime Minister is feeling, that his relationship with Mr. Adani is going to be exposed. Let me tell you, that relationship is going to be exposed. Nobody is going to stop that. It is going to happen.
because the opposition is going to press this thing until we find the answer. हाँ रवि सिसोदिया जी को दे दो. राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था. भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया. आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्क्रेशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो. क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं. घूम घाम मैं आपको उदाहरण देता हूं. आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो. देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी हाँ, तो प्लीज प्लीज इफ यू वॉन्ट टू वर्क फॉर द बीजेपी देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग सिंबल हियर एंड पुट इट ऑन योर चेस्ट. देन आई विल आंसर यू द सेम वे आई आंसर देम. डोंट प्रिटेंड टू बी अ प्रेस मैन. विक्रांत राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी हवा निकल गई. राहुल जी, राहुल जी बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते. अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते. तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है. गांधी किसी से माफी नहीं मांगता. और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए. दो बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं स्पीकर सर प्लीज आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए. मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता. आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे. तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है. इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं. इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है. और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है. मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं. बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए. मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो. थैंक यू.